नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर जिले में गरुड़ के कई हिस्सों में लगातार कोहरा छाने से ठंड में भारी इजाफा हुआ है। बता दें कि क्षेत्र में आज सुबह से ही कई हिस्सों में कोहरा छाया रहा और दिन में बारिश रही। वहीं एक तरफ बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा तो दूसरी तरफ ये बारिश काश्तकारों के लिए लाभदायक मानी जा रही है। बागेश्वर जिले में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्वीप की टीम की ओर से कई सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें मतदान से छुटे समुदाय और कस्बों को चिन्हित किया जा रहा है और साथ ही बूढ़े और दिव्यांग लोगों को मतदान से जोड़ने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सभी लोगों से मतदान करने की अपील भी की जा रही है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बूढ़े और दिव्यांग लोगों को मतदान स्थल जाने के लिए जो भी परेशानी होगी उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। मैम, इस बार हमारा 2022 का जो मतदान है दिव्यांगजनों के लिए, हर दिव्यांग 18 साल से ऊपर जो दिव्यांग है, कोई मतदान करने से ना छूटे, उनके लिए विशेष योजनाएं PWD ऐप के द्वारा की गई है। जैसे व्हीलचेयर को ऑनलाइन करना, अपने फ़ोन में वो ऑनलाइन कर सकते हैं, और वृद्धजनों के लिए रैंप, और जो 80 साल से ऊपर बुजुर्ग लोग हैं वो चलने में दिक्कत है या उनका बूथ दूर है तो उनके घर पे ही उनकी बेलू द्वारा मतदान पोस्टल डाक द्वारा घर पे ही करेंगे वो। तो इस तरह दिव्यांगों का भी, जो दिव्यांग पैरालाइज हैं, बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं, उनका भी पोस्टल डाक द्वारा घर पे ही। प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान नोडल अधिकारी संजय सिंह ने सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण को ध्यान से सुनने और कोई गलती नहीं करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी मतदान से पहले मतदान का मॉक पोल करेंगे और समय से मतदान शुरू करवाएंगे ताकि किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को जरूरी जानकारी भी दी है। बागेश्वर जिले में पिछले 2 साल से बंद इंदिरा अम्मा भोजनालय एक बार फिर खुल गया है। बता दें कि भोजनालय का संचालन जय गंगनाथ स्वयं सहायता समूह की तरफ से किया जाता है, जिसमें केवल 25 रुपए में लोगों को खाना मिलता है और 10 रुपए का अंशदान सरकार की ओर से भोजनालय संचालक को दिया जाता है। वहीं भोजनालय में गरीब तबके के लोग और विद्यार्थी समेत जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही यहां रोज करीब 40 से 50 ग्राहक खाना खाने पहुंचते हैं। वहीं समूह की सदस्य अनीता टमटा का कहना है कि बढ़ती महंगाई में अंशदान और दाम बढ़ाए जाने चाहिए, जिससे कि वो आने वाले ग्राहकों को अच्छा पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा सके। अम्मा संचालित कर रहे हैं हम, लगभग हमने 5 तारीख से शुरू करा था, जिसमें हमने ब्लॉक द्वारा इसमें अपने समूह का नाम दिया था कि हम इसको संचालित करते हैं, क्योंकि विगत 2 वर्षों से कोरोना की वजह से ये बंद पड़ा था। और जो लोग सस्ता खाना खाने के इच्छुक हैं और जो पहाड़ी खाना खाने के इच्छुक हैं और जो गरीब तबके के लोगों के जो होटल में महंगा खाना नहीं खा सकते हैं, उन लोगों के लिए इंदिरा अम्मा बहुत ही एक अच्छा उपाय है। बागेश्वर जिले के कई इलाकों में बारिश के चलते मौसम खराब चल रहा है। बता दें कि जिले में पेंडर घाटी और बिचला दानपुर के कई इलाकों की ऊंची चोटियों में बर्फबारी होने की सूचना है। तो वहीं कपकोट और लिति समेत कई इलाकों में बारिश भी हुई है। साथ ही बारिश के चलते जिले भर में कड़ाके की ठंड पड़ गई है, जिससे बचने के लिए लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार।